हेलो स्टूडेंट्स डबल कॉन्टेक्ट ऑफ कॉनिक्स का सेवेंथ वीडियो है एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस प्ले लिस्ट इसमें आपको हम एक एग्जाम्पल बताएंगे जो सेंटर ऑफ कॉनिक पर बेस्ड है तो पहले हम सेंटर ऑफ कॉनिक आपको बताते हैं। Center of Conic The Coordinates of the Center of the Conic फाई ऑफ एक्स वाई विच इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो आर गिवन बाई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो डेल फाइव अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू जीरो अब ये फार्मूला कैसे पैदा हो गया अगर ये सब जानना है तो आपको प्लेलिस्ट देखना होगा सेकंड डिग्री इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू डायमेंशन ये दो इक्वेश्स हैं एक्स और वाई में इन दोनों को साइमुलटेनियसली सॉल्व करने से एक्स और वाई मिलेगा वही सेंटर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल नंबर सेवन रेक्टेंगुलर हाइपर बोला हैज अ डबल कॉनिक विथ अ फिक्सड सेंट्रल कॉनिक अरेक्टेंगुलर हाइपर बोला हैज डबल कॉन्टेक्ट विथ अ फिक्सड सेंट्रल कॉनिक If the cord of contact always passes through a fixed point, if the cord of contact always passes through a fixed point. Then the locus of the center, then the locus of the center of the hyperbola is a circle passing. थ्रू द सेंटर ऑफ द फिक्सड कॉनिक थ्रू द सेंटर ऑफ द फिक्सड कॉनिक यही है क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिए पढ़ लीजिए दो बार तीन बार प्रॉब्लम को दो तीन बार पढ़ना चाहिए इतमान से समझने की सीमा तक पढ़ना चाहिए जब आप प्रॉब्लम समझ लोगे तभी तो उसको सॉल्व करोगे रेक्टेंगुलर हाइपर बोला हैज अ डबल कॉन्टेक्ट विथ अ फिक्स्ड कॉनिक अस कंसीडर अ फिक्स्ड कॉनिक दिया नहीं है तो हम सिंपलिस्टिक इक्वेशन वाला कॉनिक लेंगे एस ए एक्स स्क्वायर प्लस बीवाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वन पे टू पे कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑलवेज पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट देने क्या ले मतलब एक तो लाइन चाहिए कोई भी लाइन लोग किसी फिक्स्ड पॉइंट से होके जाने वाली लाइन होगी वेरिएबल पॉइंट से कहा उसको ले जाओगे लेटस कंसिडर लेटस कंसीडर कॉमन कॉर्ड एज स्मॉल यू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी वाई माइनस एमएक्स प्लस सी Equals to zero. Conic having double contact with S equal to zero at the ends of U equal to zero is एस प्लस लेमडा यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस लेमडा इंटू वाई माइनस ब्रैकेट एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो तो क्वेश्चन जो लाइन हमने बिठा दिया वो था कि ये जो कॉनिक है डबल कॉन्टेक्ट रखने वाला कॉनिक एस प्लस लेमडा यू स्क्वायर बराबर जीरो वाला कॉनिक ये बाई नेचर रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है तो अगर कोई कॉनिक रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है तो उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट और वाई स्क्वायर के कोफिशियंट का योग सम जीरो होना चाहिए यह जो कॉनिक है यह बाई नेचर रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है यह सर तभी इसके ऊपर हम थोप देंगे उसके बाद देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ हाइपर बोला मैंने इसके सेंटर का लोकस इसके सेंटर का लोकस एक सर्किल होगा जो फिक्स्ड कोनिक के सेंटर से होके जाएगा इसके सेंटर से होके जाएगा तो लिख दीजिए यहां पे पहले से ही हाईलाइट कर दीजिए इट्स सेंटर इज द ओरिजिन तो बस अब शुरू हो जाइए पहले तो इसको हाइपरबोला बनाइए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाइए उसके बाद फिर इसके सेंटर के लोकस को लिखिए लोकस को प्राप्त कीजिए तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए आराम से इंप्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस लेमडा इन y square minus 2y into mx plus c plus mx plus c whole square equals to 0. Implies that ax square plus by square minus 1 plus lambda y square minus 2 lambda y into mx plus c plus lambda into ए होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो एक्स स्क्वायर का क्रम लगाइए ए प्लस लेमडा एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का क्रम लगाइए एक्स इन वाई कहीं आएगा ए यहाँ दिख रहा है भाई ये माइनस टू लेमडा एम एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर प्लस बस यही दो है ये और ये बी प्लस लेमडा इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म एक्स का टर्म ना सिर्फ यहां है टू लेमडा एम सी इंटू एक्स वाई का टर्म सिंगल वाई का टर्म सिर्फ यहां है माइनस टू लेमडा सी इंटू वाई प्लस प्योर कांस्टेंट एक तो माइनस वन यहां है और एक यह है यानी कि लेमडा सी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो नंबरिंग डाल दीजिए इसको वन अब वही इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाइए इफ इट रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ इट रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला

इक्वल्स टू जीरो लेमडा बराबर करके लिख लो या देखो बताए चला की थोड़ी बहुत उलझन में ए प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस लेमडा ठीक है ना लेमडा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे निकाल के बिला बजे ये बोझिल हो जाएगा सिर्फ आप इस इक्वेशन में इसकी जगह ये रख दीजिए इट इन वन वी गेट हम लेमडा को छोड़े रहेंगे लेमडा की वैल्यू यहीं से निकलेगी निकाल दिया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी तो हमें मालूम जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए मना कर रहे हैं तो इसकी जगह पे लिख देना है माइनस बी प्लस लेमडा इनटू एक्स स्क्वायर माइनस टू लेमडा एम इंटू एक्स वाई प्लस बी प्लस लेमडा इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू लेमडा एम सी डॉट एक्स माइनस टू लेमडा सी डॉट वाई प्लस लेमडा सी स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो व्यर लेमडा इज गिवेन बाई समझ रहे ना चालाक क्योंकि ले। तो इससे लेमडा की मान निकालोगे तो बहुत सिंपल से नहीं है उबड़ खबड़ आएगा उसमें रखोगे तो क्या गति होगी ये बहुत खड़ूस जैसा इक्वेशन आ जाएगा जाना जैसा लेमडा एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो इसकी नंबरिंग कर दिया जाए नंबर थ्री यही वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो एक बार इसका चरित्र लिख दीजिए दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विच हैज डबुलटेक्ट Which has double contact with S Ax square plus BY square minus one equal to zero at the ends of common chord U Y minus bracket Mx plus C. इक्वल्स टू जीरो एक काम हो गया अब आपको बताना है इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के सेंटर का लोकस एक ऐसा सर्किल होगा जो एस बराबर जीरो के सेंटर से होकर जाएगा एस बराबर जीरो का सेंटर ओरिजिन है आओ काफी काम बाकी है भी है भी, सोलूशन होते हैं इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स के और एक काम और करते हैं इसको कुछ डिनोट कर दे रहे फाइव कर दे ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो तो इक्वेशन हो जाएगा फाइव इक्वल टू जीरो केवल फाइव लिखने में बुरा लग रहा है तो फाइव ऑफ एक्स वाई ऐसे लिख दो ये लो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ फाइ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो आर गिवेन बाई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो डेल फाइव अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू जीरो दैट इज शुरू हो जाइए पार्शल डिलीवर्टी पर ध्यान रखना एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो वह एक्स के अलावा सारे वेरिएबल कांस्टेंट होंगे तो फिलहाल ये हो जाएगा माइनस टू इंटू बी प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस टू लेमडा एम और वाई ना एक्स का वन हो गया बकिया सब कांस्टेंट इसका जीरो हो गया इसका बचेगा प्लस टू लेमडा एम सी ओके इसमें एक्स है नहीं इसमें एक्स है नहीं, सब ज़ीरो हो जाएंगे इक्वल्स टू ज़ीरो एंड फिर वाई के रेस्पेक्ट में करिए इसका डेरिवेटिव जीरो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस टू लेमडा एम इंटू वाई और इसमें आएगा प्लस टू इंटू बी प्लस लेमडा इंटू वाई इसका जीरो इसमें आएगा माइनस टू लेमडा सी बस इक्वल टू जीरो टू उड़ा दीजिए पहले तो टू उड़ाइए माने कि टू से डिवाइड कर दीजिए उड़ा दीजिए हम बोल देते हैं सबलिमिट कर दीजिए हम बोल देते हैं ऐसे ही बोल देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट टू से डिवाइड कर रहा है माइनस बी प्लस लेमडा इंटू एक्स माइनस लेमडा एम वाई प्लस लेमडा एम सी इक्वल टू जीरो एंड माइनस लेमडा एम वाई प्लस बी प्लस लेमडा इन टू आई माइनस लेमडा सी इक्वल टू जीरो एच के अब लोकस का जनरल कॉन्सेप्ट यही होता है जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको कुछ मान लो चलो हमने एच के मान लिया फिर दिए हुए तथ्यों प्रतिबंधों की मदद से एच और के में एक रिलेशन निकाल लीजिए बस उस रिलेशन को जनरलाइज कर दो तो वही लोकस होता है एच के का जनरलाइज करने का मतलब एच की जगह जनरल एक्स कॉर्डिनेट एक्स के की जगह जनरल वाई कोआर्डिनेट वाई रख दो बस लेट एच के बी द सेंटर बी देंटर ऑफ जिसको हमने लिख दिया था फाइव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। जीरोन इन दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा माइनस बी प्लस लेमडा इन टू एच माइनस लेमडा एम के प्लस लेमडा एम सी इक्वल टू जीरो एंड माइनस लेमडा एम के प्लस बी प्लस लेमडा इन टू के चक्कर है इसमें वाई वाई दो बार इसमें एक्स और वाई है ऐसा कैसे हो गया कहाँ गड़बड़ी हो गई भाई इसमें गड़बड़ी हुई है ये वाई के रिस्पेक्ट में की तो यहाँ पर वाई कैसे बचा यहाँ पर तो एक्स बचना चाहिए ना अरे ये वाला टर्म था माइनस टू लेमडा एम एक्स वाई मिला लेता हूँ मैं माइनस टू लेमडा एम एक्स वाई तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो इसमें वाई बचा वाई के रेस्पेक्ट में किए तो इसमें एक्स बचा ठीक है अब ठीक है देखो गलती पकड़ में आ गई शुरू में ही सेकेंड वाले में यहां पर एक्स करिए ए यहाँ पर सेकेंड वाले में एक्स करिए हाँ इसको देख लो भैया इसको देख लो और उसी प्रकार से यहाँ पर ये के नहीं ये एच होगा अब ठीक अब आगे बढ़िए माइनस लेमडा सी इक्वल टू जीरो अब हम लेमडा को एलिमिनेट करेंगे लेमडा को एलिमिनेट करेंगे लेमडा की वैल्यू दोनों जगह से निकाल के इक्वल कर दो हो गया एलिमिनेशन इंप्लाइज दैट लेमडा इंटू क्या क्या आएगा एक तो इसको लिख लो पहले एम सी पॉजिटिव टर्म फिर माइनस एम के और फिर माइनस एच अब क्या बचा बचा माइनस बी इधर जाके हो जाएगा बी अब इसमें पॉजिटिव टर्म कौन सा है पहले उसको लिखो ये पॉजिटिव टर्म है लेमडा के तो बचेगा के हाँ? और माइनस सी ये वाला और माइनस एम एच माइनस एम एच हो गया इक्वल्स टू बीके उधर जाके हो जाएगा माइनस बीके कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहां पे देखो ये था गड़बड़ी पकड़ में आ गई ना ये माइनस बी एच उधर जाके हो जाएगा बी एच अब ठीक है अब क्या करें डिवाइड कर दो लेमडा के गायब हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा डिवाइडिंग वी हैव पर्पज क्या है डिवाइड करने का मैं लिख दे रहा हूं टू एलिमिनेट एलिमिनेट लेमडा वो लेमडा उसी समय हम रख देते हैं ना तो लेमडा कहां रहता है यहां पे? नहीं रहता लेकिन हमने वहां पे स्किल चालाकी कुशल कौशल का इस्तेमाल किया लेमडा की वैल्यू बहुत खड़ूसी आ रही थी उसको रखते तो पूरा इक्वेशन बहुत खड़ूस हो जाता टू एलिमिनेट लेमसी माइनस एम के माइनस एच अपन के माइनस सी माइनस एम एच इक्वल्स टू माइनस एच बाई के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस रिजल्ट को चौक हो तो मिला ले हम बीच बीच के स्टेप लिखे रहते हैं माइनस एच माइनस एम के प्लस एम सी के माइनस एम एच माइनस सी इक्वल टू टी बिल्कुल ठीक इम्प्लाइज दैट के इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एम सी माइनस एम के माइनस एच इक्वल टू माइनस एच इन के माइनस सी माइनस एम एच implies that m c k minus m k square minus h k equal to minus h k plus c h plus m h square minus h k तो कैंसिल हो गया इम्प्लाइज दैट इसको उधर ले चलिए एम एच स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर फिर प्लस सी एच और फिर इसको भी उधर ले चलिए माइनस एम सी के इक्वल टू जीरो लोकस लिखिए लोकस ऑफ द सेंटर जिसे आप एच के मान लिए थे इज एक्स स्क्वायर प्लस m y square plus c x minus m c y equals to 0 m x square plus m y square plus c x minus m c y equal to 0 which represents a circle which represents a circle through थ्रू द सेंटर जीरो जीरो ऑफ द फिक्सड कोनिक एस विच इज एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो बेटा यही प्रूफ करना था इस प्लेलिस्ट को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं लास्ट में लिख देता हूं लास्ट वाले पर अगर कभी कुछ बढ़ाना हुआ तो एडिशनल करके बढ़ा दूंगा एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश YouTube चैनल का नाम हमारे है गणितपुर और हमारे मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण इस मिशन के तहत एजुकेशनल वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसका आप लाभ लीजिए और औरों को भी लाभ पहुंचे इसके लिए हमारे इस मिशन में औरों को भी जोड़िए कनेक्ट करिए ठीक है ना तरीका क्या है तरीका यही है इंग्लिश में लिखना है हिंग्लिश में बातचीत करना है कन्वर्सेशन जो हमारे आपके बीच में होगा संवाद जो होगा बातचीत जो होगा समझने समझाने का जो काम होगा वो हिंग्लिश में होगा, इन हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड, और कभी अगर आवेग में जो लोकल भाषा का भी इस्तेमाल हो सकता है और मोड मोड क्या है सिंपल टीचिंग बिल्कुल सिंपल टीचिंग कोई लटका झटका नहीं ड्रामा जैसा कुछ नहीं जो लोग अभी बनाते हैं जैसे माल बेचने के लिए ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ़र्क ये है कि इस अकेले कमरे में सन्नाटे में मैं पढ़ा रहा हूँ और क्लास में बड़ी बड़ी क्लास हमारे यहाँ होती है माइक लगा के हम लोग पढ़ाते हैं तो अब वो चीज़ तो यहाँ नहीं आ पाएगी उसकी बात जुदा है टीचिंग का मजा तो वही है कुछ तो इंटरेक्शन हो फिलहाल ये भी एक तरीका है टीचिंग का और बहुत ध्यान रख के लिखता हूँ पढ़ता हूँ बोलता हूँ बतियाता हूँ धीरे धीरे एक एक चीज़ समझाता हूँ मन है कि आपको हम विषय समझाएँ सारे बुक्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबका सलूशन हम प्रोवाइड करें ये हमारा उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य है विषय सिखाना विषय सिखाने के लिए सारा मेकेनिजम में बताता हूँ और हर तरीके के एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ हर तरीके के थैंक यू वेरी मच